हे गाइस, वेलकम बैक। सम गुड न्यूज़ इज़ अ सीरीज जहाँ पे हम कुछ अच्छे न्यूज़ की बात करेंगे जो हर दिन हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ख़राब न्यूज़ चल रही है। मैं बस वही न्यूज़ को हटाना चाहता हूँ आपके दिमाग से और हर दिन कुछ पांच अच्छे न्यूज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। बस यही इस वीडियो का एम है। ओके गाइस, सो हेलो, वेलकम बैक। सो माइक पॉम्पे, उन्होंने अर्ज किया है पूरे दुनिया को कि वो स्टैंड अप करें चाइना के सामने और अब खड़े हों, क्योंकि यूएस के जो सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट माइक पॉम्पे, इन्होंने पहले बोला भी था कि हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे चाइना के ऐप्स को बैन लगा सकें। वैसे ही ये फिर से इन्होंने अर्ज किया है, क्योंकि चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा कवर अप कर रहा है। और अब ये जो कोरोना वायरस हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उसका हेल्प कर रहा है। आपको पता है यूएस ने हमें सारे टाई जो है हटा लिए हैं, और पॉम्पे ने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के हैंड से भी उन्होंने से ही मिला है, और इन्होंने जो रिलेशन थे लंदन और बीजिंग के, चाइना स्टेटमेंट, हांगकॉन्ग, ये सबको देख के बहुत बड़ी बात की है कि चाइना जो है वो कवर अप कर रहा है और यूनाइटेड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको हेल्प कर रहा है ये सब चीज़ों में। और बात यहीं पे है, आप थोड़ी सी बात अगर और देखेंगे, चाइना हर तरफ अपनी टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सबको बुली कर, अपने नेबर्स को मतलब बुली करता है, थ्रेटनिंग करता है। आप देख सकते हैं इंडिया के साथ क्या हो रहा है, भूटान के साथ क्या हो रहा है, रशिया के साथ क्या हो रहा है, और साउथ चाइना सी में उनका डोमिनेंस देख लीजिए आप। जो इतना क्विट चाइना मूवमेंट चल रहा है वो सब को देखते हुए माइक पॉम्पे ने ये अर्ज किया है बाकी लोगों से भी, तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। मैं तो ये बोलूँगा कि मैं सबको अभी कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट कुछ सालों के लिए चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए, और ये ही स्टेटमेंट सब जगह चल रहा है, सो दैट उनको ये पता चले कि वो ही एक ग्लोबल लीडर नहीं है, और उनको ये जो भ्रम है उनको उतारना चाहिए। अच्छा, एक और न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने इंडियन आईटी कंपनीज को बोल दिया है कि आप वर्क फ्रॉम होम को दिसंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो वर्क फ्रॉम होम जो था वो जुलाई 31 तक था, अभी जो है वो दिसंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा नॉमिनल चीज़ है जो गवर्नमेंट ने बस बोल दिया है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि एवरी कंपनी अपना डिसीजन खुद लेती है। तो अभी आपको ये सब पता होगा, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ये सब में 5 to 10% लोग ऑफिस जा रहे हैं। तो विदाउट मतलब अगर ये नहीं भी करेगा गवर्नमेंट, तब भी आईटी के एम्प्लॉयज़ अपना काम करेंगी, ये करेगा गवर्नमेंट तब भी आईटी एम्प्लॉयज़ अपना काम करेंगी। क्योंकि अगर मैं आपको आईटी का चीज़ बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है आईटी के एम्प्लॉयज़ में, और उनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। उनके कई सारे क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं ऑफिस आके ही काम करो, तुम मोबाइल घर पर जा कहीं सकते हैं, बहुत कुछ होता है। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन एक अच्छा डिसीजन है, जो कई कई जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, कई जो ऑफिसर्स हैं, वो यही बोल देते हैं कि हमको तो कोई कोई ऐसा कोई करिकुलम ही नहीं आया है। तो ये चीज़ें उनको बाध्य करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दें। तीसरा न्यूज़ ये है कि ओयो जो है अपना हेड ऑफिस को गिव अप कर रहा है, और वो एक हाइब्रिड मॉडल में जा रहा है जिसको लेटेस्ट मॉडल बोलते हैं। तो ओयो ने अपना वर्क फोर्स को क्या है, थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। जैसे जैसे पैंडेमिक बढ़ते आ रहा है, ओयो अपना नया नया एक्सपेरिमेंट करते आ रहा है। जैसे आपको पता होगा, ओयो ने पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दिया था कि आप नॉमिनल अमाउंट पे शेयर लेके कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात थी। फिर शेयर होल्डर मतलब कि आप कंपनी के शेयर लीजिए और आप कंपनी में आपका उतना स्टेक होगा, अगर आप ज़्यादा शेयर लेते हैं तो कई क्या पता कंपनी के डिसीजंस में आपको पार्टिसिपेट भी करने मिल सकता है। उसके बाद ओयो ने तीन कैटेगरी में वर्कफोर्स डिवाइड किया है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, कैपेबिलिटी फंक्शन और फील्ड स्टाफ को। तो दिनेश रामामूर्ति हैं, वो चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फील्ड स्टाफ जो होता है वो ऑलरेडी बाहर जाता है, ऑफिस अटेंड कर रहा है फॉलोइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दो कैटेगरी के हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और या तो कहीं से भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बोला है कि फ्लेक्सिबल को वर्किंग सेंटर जो ओयो वर्क स्पेस करता है वहाँ पे लेंगे। और इसी तरह से ओयो ने अपने दो बड़े ऑफिसेज जो गुरुग्राम में थे, जो फ्लैगशिप ऑफिस बोलते हैं, उनको छोड़ दिया है। तो वो करीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, और इससे जो ओयो ने रेंट पे करता था वो 1.9 करोड़ का है। और तो ये काफ़ी ज़्यादा सेविंग होगी इसकी, बाकी कंपनीज ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऐसे जो ये इन जो ये टाई अप होते हैं, रेंटिंग होती है, ये 10 10 100 100 सालों के लिए होती है। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी मायने करती है कि काफ़ी कंपनीज नहीं कर सकते, काफ़ी कंपनीज कर सकते हैं। अब जैसा कि मालूम हुआ कि पैंडेमिक को देखते हुए काफ़ी कंपनीज अपनी ये पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। जैसे TCS ने बोला है कि 2025 तक सिर्फ 25% वो वर्कफोर्स को
बिल्डिंग में बुलाएगी। तो ये अच्छी अच्छी न्यूज़ें हो रही हैं, तो वो बस शेयर किया जा रहा है। पांचवा जो चौथा न्यूज़ है वो भी चाइना के बारे में। एक चाइना जो है वो फिंगर फाइव एरिया जो पैंगोंग सो लद्दाख है वहाँ से जा नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हुई है पर उतनी खास मूवमेंट हुई नहीं है। जुलाई 14 को आपको पता होगा उसमें बोला गया था कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गई है, हट गया है, ये है वो है, बट अब समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। चाइना अभी भी है और जुलाई 14 को एक और जो कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस हुई थी सीनियर कमांडर की दोनों आर्मी के बीच में वो करीबन 15 घंटे चली थी। तो ये काफ़ी बड़ा चीज़ है, ठीक है। और चाइना और जो बॉर्डर ट्रुप का जो ये जो 14 जुलाई को हुआ था चौथा राउंड है, तो इस स्पीड से चल रहा है। और इंडिया डेलीगेशन को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने लीड किया था, जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर हैं लेह बेस 14 कॉप्स के। और चाइना साइड से साउथ जिनयांग मिलिट्री रीजन से मा जिन लू लिन ने लिया था। तो यही बातें हैं, अभी वो हट नहीं रहा है, अब बोला जा रहा है कि हट रहा है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये, थोड़ी सी इस न्यूज़ पर हम लेते रहेंगे अपनी अपना दिलचस्पी आगे जाके भी। अच्छा, जैसे आपको मैंने पहले बताया था रफाल वाला कि रफाल जेट्स जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है, तो पांच आने वाले हैं, वो पांचों के पांचों अभी अपने ऊपर लद्दाख एरिया पे जाएंगे। तो अब जो है नेवी ये भी सोच रहा है कि वो मिग 29 के जेट्स को नॉर्थ एयर बेसिस में डाल दे, क्योंकि तो चाइना का काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। और यही बातें जो चल रही थी कि इंडियन नेवी ने अपने पोसाइडन 8L एंटी सबमरीन वॉरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया है ईस्टर्न लद्दाख में, ताकि वो सर्वेलेंस ले सके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। साथ ही साथ मिग 29 के उनके कुछ कुछ हैं वो भी वहाँ पे रख दिए गए हैं, ताकि नाइट में सर्वेलेंस हो सके। जो मरीन टाइम फाइटर्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे इंडियन एयरफोर्स एफर्ट्स को, जो कि ज़्यादा अंदर तक जाके स्ट्राइक कर सके और अपना डोमिनेंस हवाई क्षमता में बना सके। जो नेवी की फ्लीट है उसमें अराउंड 40 हैं मिग 29 जेट्स, और 18 जो उनमें से हैं वो INS विक्रमादित्य में जो है वो डिप्लॉय हैं। साथ ही साथ और जो इंडियन एयरफोर्स है उसने अपने फ्रंट लाइनर फाइटर जेट्स है कि जैसे कि सुखोई 30, जैगुआर, मिराज एयरक्राफ्ट, ये सबको लगा दिया है ईस्टर्न लद्दाख में और थोड़े थोड़े दूर LAC में। हालांकि ये सब चीज़ें हमको नहीं बतानी चाहिए, ये बातें मुझे अभी पता चल रही, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए किसी भी कंट्री के डिफेंस मैकेनिज्म को बताते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं से चाइनीज़ को भी ये पता ही रहेगा। और चाइना की जो मीडिया है वो ये सब चीज़ें नहीं बताती, यू डोंट नो कि चाइना कितना रखा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। और खैर अभी तो मेरा वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, तो आई होप आई कैन बी आई कैन गेट मैच्योर ऑडियंस, आई कैन बिहेव लाइक अ नाउ। हम लोग को ये न्यूज़ें भी हटानी पड़ेंगी, ये गुड न्यूज़ नहीं है, एक तरह से ये न्यूज़ें छुपानी चाहिए। और NDTV का को मैं बस दोष नहीं दूंगा, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं NDTV तो फिर भी मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं एंटी गवर्नमेंट जो लोग बोला जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है देश के लिए, देश की सुरक्षा को लेके हमें ये सारी न्यूज़ें नहीं पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, कुछ सही कर रहे हैं, तो कितने फाइटर जेट्स वहाँ पे हैं ये हमको पता है, तो चाइना को भी पता होगा। तो ठीक है, तो थोड़ा देख के करना पड़ेगा, अगली बार से हम थोड़ी न्यूज़ को और कट शॉर्ट करेंगे। थैंक यू। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे न्यूज़ आपके तक लाने की कोशिश करूँ, ताकि जो घर आसपास इतने सारे खराब न्यूज़ आ रहे हैं वो न्यूज़ को ना देखते हुए कुछ अच्छे न्यूज़ की हम बात करेंगे हर दिन के 5। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी वर्सेटाइलिटी लाना चाहता हूँ इस चैनल पे, एक कंटेंट पे ये फोकस नहीं रहेगा, ताकि जैसा जिसको चाहिए वो मिल सके और इस चैनल का अच्छा खासा टाइम चल सके।